वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से बैकग्राउंड देख के पता चल रहा होगा, विशेष भाई की शॉप पे आए हैं। तो आज थोड़ा सा अलग वीडियो बनने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी क्वारीज रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, तो उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत सारी लोगों की क्वारी रहती है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में बता दो। वो प्रोडक्ट है ये लिक्विड मोली का सूटर, जो कि पेट्रोल में डाला जाता है अपनी बाइक्स में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं एंड किस किस बाइक में यूज़ कर सकते हैं, क्या स्कूटी में यूज़ होगा कि नहीं होगा, टू स्ट्रोक बाइक में यूज़ होगा या फोर स्ट्रोक बाइक में यूज़ होगा। इसके आज आंसर देंगे हमें अपने विशेष भाई। श्योर ना? बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जी, उसके आंसर बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके आंसर अब विशेष भाई देंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आंसर विशेष भाई देंगे। तो फर्स्ट अभी मैं ये जानना चाहूँगा विशेष भाई से कि ये यूज़ क्या होता है इसका, कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि विशेष भाई, ये अपना लिक्विड मोली जो सूटर है, इसको यूज़ क्या है इसका, मतलब? तो बेसिकली इसका यूज़ तब आता है जैसे अपन कोई न्यू बाइक लेते हैं, हाँ। उसके बाद कुछ साल उसको चलाने के बाद आपको वो फील नहीं आता, नया सा फील नहीं आता है ना। देन फिर आपको लगता है आप एक्सेलेट कर रहे हो या फिर सर्विस टाइम टू टाइम करवा रहे हो, है ना। तो आपके ऑयल में डिपॉजिट जो स्लज आता है, कुछ जो भी डिपॉजिट आपके कार्बोरेटर में इम्प्योरिटीज आ जाती है ना। देन उसके लिए अपन लोग ये करते हैं कि लिक्विड मोली का एक स्पीड एडिटिव शूटर आता है, उसको अपन 10 लीटर्स के फ्यूल टैंक या मिनिमम 5 लीटर्स के फ्यूल टैंक में आप इसको डाइल्यूट करना है। आपको रीसेंट इम्प्रूवमेंट आपको 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपका इंजेक्टर या फिर आपकी बाइक में कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर आपका क्लीन हो चुका होगा, आपका एक्सेलरेशन हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपकी इकोनॉमी हो गई, बाइक की एवरेज इकोनॉमी हो गई, वो आपको बढ़ जाएगी और बाइक की लाइफ भी इम्प्रूव होती है इसी से। तो मतलब अपना पूरा बाइक को एक तरीके से, हाँ, इसमें इसे रीबूस्ट को भी कर सकते हैं, एज अ रीबूस्ट कर सकते हैं आप अपने कार्बोरेटर इंजेक्टर को, जो आपके हर जगह पेट्रोल, आपको पता ही है कि हर पेट्रोल पंप पे क्लीन नहीं मिलता है, उसके लिए इंजेक्टर क्लीन करवाना पड़ता है। बट अपने सर्विस सेंटर वाले टाइम टू टाइम जो अपने बेसिकली पीरियडिकली जो मेंटेनेंस होता है, ऑयल चेंज का इंटरवल होता है, सबका होता है, तो बट ये अपने वो नहीं करते क्लीन, तो उसके लिए बेटर है कि अपन लोग खुद ही एडिटिव इंक्लूड करें अपने पेट्रोल टैंक में, उससे ये बाइक ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करेगी आपकी। तो ये बेसिकली मतलब मिनिमम पेट्रोल 5 लीटर की रिक्वायरमेंट है इसे पेट्रोल में डालने के लिए, मिनिमम 5 लीटर देन मैक्सिमम 10 लीटर्स। तो इसको मतलब डायरेक्ट पेट्रोल, जैसे कि अपन पेट्रोल भरते हैं, हाँ। तो डायरेक्ट उसमें डायरेक्टली उसमें डाइल्यूट कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं ना जी। तो अभी सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस ये मैं पूछना चाहूँगा कि अभी उसे सही से पूछूंगा कि ये 2 स्ट्रोक में डलता है या 4 स्ट्रोक बाइक में डलता है, या सिर्फ 4 स्ट्रोक में डलता है, 2 स्ट्रोक में नहीं डलता। और ये भी क्वेश्चन रहेगा कि ये जो लिक्विड मोली का बूस्टर है या फिर कुछ भी कह लो, इसको क्या बोलते हैं, सूटर बोल लो, तो इसका यूज़ सिर्फ बाइक्स में रहता है या फिर स्कूटी में रहता है, कि किस किस में अपन यूज़ कर सकते हैं, कि सभी में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये 2 स्ट्रोक बाइक में डलता है 4 स्ट्रोक बाइक में? तो ये 2 स्ट्रोक बाइक में भी डलता है और 4 स्ट्रोक बाइक में डलता है। 2 स्ट्रोक की जितनी भी पहले अपनी आती थी, आदर्श चंद्र आती थी, सुजुकी समुदाय आती थी, एनीथिंग एल्स जो भी 2 स्ट्रोक आती थी उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। देन 4 स्ट्रोक की बात है, 4 स्ट्रोक में भी आप स्कूटी में, स्कूटर में और स्ट्रोक की मोटरसाइकिल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और हाई एंड बाइक भी कर सकते हैं, और लो एंड वाली जो अपनी कंप्यूटर सेगमेंट की बाइकें हैं वो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी यूज़ अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि RTR 200 जो बाइक है अपाचे की, उसमें यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली TVS अपाचे में भी आप RTR में यूज़ कर सकते हैं। और एक डियो, होंडा की डियो आती है, होंडा की डियो भी अपना स्कूटी सेगमेंट में है, उसमें भी आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सुजुकी एक्सेस 125 ड्यूरो भी आप एक्सेस 125 में भी यूज़ कर सकते हैं और बग में भी यूज़ कर सकते हैं। RX 100 में भी इजिली आप यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि ये मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन जर्मनी? नॉट मेड इन इंडिया, दिस इज मेड इन जर्मनी बट इट्स अवेलेबल इन इंडिया। ओके, तो मिनिमम 5 लीटर का पेट्रोल या मैक्सिमम 10 लीटर में जी इनमें आप मिला सकते हैं। रॉयल एनफील्ड में? रॉयल एनफील्ड में भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड मैंने खुद ने किया हुआ अपनी बाइक में, इलेक्ट्रा में।
से जो मेन क्वेश्चन एक पूछा गया है कि ये अपने यूज कर लिया समझो डाल लिया तो वो कितने किलोमीटर तक ये चलेगा और कब हमें चेंज करना चाहिए इसको? इसको चेंज नहीं करना होता है, जैसे आपने 5 लीटर्स में इसको डाइल्यूट करा अपने टैंक में, हाँ। तो 5 लीटर का आप बताएं अपने हिसाब से कि आपका गाड़ी का कितना एवरेज है, है ना, तो उतना तक चलेगा। नेक्स्ट आपको रिफिल तब करेंगे तो थोड़ा बहुत आपके कार्बोरेटर इंजेक्टर में होगा, थोड़ा बहुत और चलेगा, देन हाँ। फिर आपको हर रिफिलिंग पे अगर आपको लगता है तो आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो एक आइडिया ले लें तो कितना किलोमीटर के बाद मिनिमम 5 टैंक में अपन ने ये डाला डाइल्यूट करा 40 किलोमीटर का एवरेज मान लें, 40 किलोमीटर का अगर इनिशियल कोई बाइक का एवरेज है स्कूटी का एवरेज है तो ये 200 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगा। 5 लीटर में 200 किलोमीटर चल जाएगा, मतलब 200 किलोमीटर के बाद चलने के बाद फिर इसको इसको फ्यूल आप रिफिल कराएंगे तो थोड़ा बहुत हवा कंटेंट बचा होगा तो और थोड़ा आपका कंटिन्यू हो सकता है, बट आपको फिर इसको 5 लीटर के टैंक में फिर डलवाना अगर या फिर आपने 10 लीटर भी डलवाया तो आपका मतलब 400 किलोमीटर मान लो फिर आराम से इजी चल जाएगा। डिपेंड करेगा आपने कितने, वो डिपेंड करता है आपकी बाइक की रेंज क्या है, आपकी बाइक के मतलब कितना एवरेज दे रही है आपको, बाइक की रेंज क्या है और आपने कितने कितने लीटर पेट्रोल में फिल करवाया, मिनिमम 15-16 एवरेज तो कम ही चलेगा ये, अगर और अच्छा एवरेज है 40-45 या 50 भी अच्छा एवरेज, डिपेंड करता है आपकी, डिपेंड करता है कि मतलब कैसी किसकी बाइक है उस पर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो यहीं एंड कर दें क्योंकि इसमें इतने ही टॉपिक थे मेरे हिसाब से, मैंने सब क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, बाकी किसी को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शॉप का एड्रेस डाल दूंगा जहाँ पे शॉप है वहाँ पे आप ये परचेस कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा और रह गया था, इसकी प्राइस अभी बताएंगे या फिर बाद में बताएंगे? डिस्क्रिप्शन में दी होगी और इसका प्राइस 380 है, आपको ये मेरे यहाँ पे भी आपको स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल है ही अभी ऑलरेडी। देन आपको अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी बाय करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो जैसा आपको सूटेबल लगे, आपकी ग्वालियर में भी है और आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया में। तो बेटर है कि ऑनलाइन से अच्छा है कि ऑफलाइन परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो जेन्युइन नहीं रहती है, मेन होता है जेन्युइन चीज का, तो जेन्युइन चीज आपको ऑफलाइन मिलती है। तो एड्रेस मैं डाल दूंगा विशेष भाई का, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या मोबाइल नंबर डाल दूंगा तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।